हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस अबाउट इंग्लिश डिलाइट चैप्टर नंबर 6, नॉलेज एलोन इज नॉट सुप्रीम। इसका मतलब क्या होता है कि ज्ञान अकेला सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, स्टार्ट नाउ। वंस देयर लिव्ड ए किंग, एक दिन एक राजा रहते थे। हिज नेम वाज भोज, उनका नाम क्या था? भोज। किंग भोज वाज ए स्कॉलर, किंग भोज क्या थे? एक पंडित थे। ठीक है, देयर वर मेनी लर्न पीपुल इन हिज कोर्ट, उनके पास बहुत सारा मतलब जो लर्नेड शिक्षक लेने के लिए बहुत सारा व्यक्ति रहते थे। ठीक है, पोएट कालिदास वाज वन ऑफ देम, उसके अंदर एक कवि थे, उनके नाम क्या था? कालिदास। ठीक है, द किंग एनकरेज फ्री डिस्कशन एज ए मीन्स ऑफ अराइविंग ए ट्रूथ, तो राजा क्या कर रहे थे उनके अंदर एनकरेज मतलब प्रोत्साहित कर रहे थे कि डिस्कशन अंदर से तर्क वितर्क करके ट्रूथ के सत्य के पास जाने के लिए उसके अंदर तर्क वितर्क कर रहे थे। ठीक है, मतलब बातचीत हो रहा था। ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हिज किंगडम किंग भोज इनवाइटेड लॉन्ग पर्सन नेम्ड चिंतन टू गिव ए स्पीच, एक दिन उनका एनिवर्सरी था, उसी दिन वो राजप्रसाद में किसको इनवाइट किए थे, उनका नाम क्या था? चिंतन। राजा ने एक पर्सन को मतलब शिक्षा वाला मतलब शिक्षा व्यक्ति को बुलाए थे जिसका नाम क्या था? चिंतन। ठीक है, इन हिज स्पीच चिंतन स्ट्रेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ नॉलेज, वो जो चिंतन जो व्यक्ति आए थे उनका जो स्पीच था उसमें था कि वैल्यू ऑफ नॉलेज मतलब शिक्षा का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, ही कंक्लूडेड दैट नॉलेज एलोन इज सुप्रीम इन दिस वर्ल्ड, वो क्या कहने के लिए चाहती थी कि नॉलेज जो होता है, ज्ञान जो होता है वो वर्ल्ड में सर्वोच्च होता है। ठीक है, दिस स्पीच वॉज ग्रेटली अप्रिशिएट, उनका स्पीच सबको बहुत अप्रिशिएट किया था। ठीक है, देन आफ्टर द स्पीच द डिस्कशन स्टार्टेड, कालिदास द ग्रेट पोएट गॉट अप फ्रॉम हिज सीट एंड सेड, उसके बाद डिस्क मतलब उनका स्पीच खत्म होने के बाद कालिदास ने और दूसरे के साथ डिस्कस किए और क्या किए, उसके बाद वो खड़े हो गए और क्या बोले, आई डू नॉट फील एग्री विथ दिस व्यूज ऑफ द हॉनरेबल स्पीकर, कि वो क्या बोले कि वो जो स्पीच दिए उनसे मैं सहमत नहीं हूँ कि एकमत नहीं कि उनके एग्री नहीं हूँ। ठीक है, किंग भोज एंड अदर स्कॉलर्स वर वेरी मच सरप्राइज एट द कमेंट्स ऑफ कालिदास, किंग भोज और जो अदर पंडित थे वो सरप्राइज हो गए मतलब हतबाग हो गए कि वो जो कालिदास का कमेंट सुन के। पोएट कालिदास हैड मेड ए यूनिक प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, कालिदास के पास इतना ज्ञान था कि वो उनके फील्ड में एक सर्वोच्च स्थान बनाए थे। ठीक है, एवरी वन वॉन्डर्ड व्हाई कालिदास डिड नॉट एग्री दैट नॉलेज इज सुप्रीम, कि हर व्यक्ति ने आश्चर्य वॉन्डर मीन्स आश्चर्य हो गए थे कि कालिदास क्यों ये जो नॉलेज के ऊपर जो स्पीच है उसमें क्यों एग्री नहीं थे। ठीक है, देन किंग भोज आस्क्ड कालिदास टू प्रूव व्हाई नॉलेज इज नॉट सुप्रीम, तो किंग भोज ने राजा ने बोले कि आप कुछ मतलब उसका प्रूफ दे सकते हो कि नॉलेज सर्वोच्च नहीं है, तो कालिदास ने स्टूड अप एंड पुट फोर्थ हिज व्यूज वेरी कामली, तो कालिदास क्या किए, खड़े हो गए और उनको शांति बनाए रखी। ठीक है, ही सेड नॉलेज एलोन इज नॉट सुप्रीम, वो क्या बोले कि नॉलेज सर्वोच्च मतलब सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, देन इफ वन कैन नॉट पुट इज नॉलेज इट इन टू एक्शन देयर इज नो वैल्यू ऑफ सच नॉलेज फॉर द सोसाइटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, शक्ति जो नॉलेज मतलब शक्ति ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है हमारा समाज में। ठीक है, दिस कैन बी बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल वो दिए कि जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आई हैव द नॉलेज दैट द अर्ली मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर माई हेल्थ, इसका मतलब क्या है कि हम लोग सुबह वॉक करने से हमारा शरीर क्या रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है, सुस्त रहता है, बट इफ़ आई डू नॉट गेट अप अर्ली एंड डू नॉट गो फॉर वॉक द व्हाट इज़ द यूज ऑफ माई नॉलेज ऑफ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, बट किंतु मैं सुबह नहीं जाऊँगी तो मतलब वॉक करने के लिए मैं नहीं जाऊँगी तो इसमें मेरा शक्ति का कुछ असर पड़ेगा, इसमें कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देन पोएट कालिदास कंटिन्यूड, लेट मी गिव अनदर एग्जाम्पल, और पोएट कालिदास ने क्या किया और दूसरा एग्जाम्पल ने दिए, आई हैव द नॉलेज दैट बटर कैन बी प्रिपेयर फॉर मिल्क। ठीक है, तो हम लोग मिल्क से बटर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अनलेस आई चेंज मिल्क इन टू कर्ड,
फर्स्ट हम लोग को कर्ड में चेंज करना पड़ता है एंड द चोर्न द कर्ड विगोरसली, मतलब उसको हम लोग बहुत सारा मंथन पड़ता है। उसके बाद क्या निकलता है उसमें, बटर। आई विल नॉट बी एबल टू एक्स्ट्रा बटर फ्रॉम मिल्क। ओके, तो कालिदास कंक्लूडेड देयर फॉर द स्टेटमेंट दैट नॉलेज इज सुप्रीम टेल्स अस ओनली हाफ ट्रूथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग को दूध को जितना मंथन करता है करना करेंगे उसमें क्या निकलता है, बटर निकलता है। तो इसमें हम लोग को क्या शक्ति का कुछ भी यूज नहीं किए, उसमें हम लोग को क्या देना पड़ता है, फोर्स देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या बोले कि जो ज्ञान होता है इसमें हाफ यूज हुआ है। ठीक है, नॉलेज विदाउट एक्शन, इसके क्या हुआ, इसमें ज्ञान का कुछ एक्शन नहीं है, इज वन ऑफ नो यूज। इसमें क्या हुआ, ज्ञान का कुछ यूज नहीं हुआ, उसमें क्या यूज हुआ, ताकत। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज विथ सूटेबल एक्शन इज ओनली यूजफुल एंड ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हम लोग को करने के लिए ताकत के साथ क्या हमारा ज्ञान का जरूरत होता है। इसका मतलब क्या है कि नॉलेज पार्ट ऑफ मतलब पार्ट ऑफ डिजायर इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, इज ओनली यूजफुल एंड ब्रिंग द डिजायर रिजल्ट, को दोनों का दोनों यूज करेंगे तो हम लोग अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। हेंस नॉलेज एलोन कैन नॉट बी सुप्रीम, मतलब इसका मतलब कि ज्ञान अकेला सर्वोच्च नहीं है। किंग भोज एंड एवरी वन प्रेजेंट इन द कोर्ट वॉज इम्प्रेस्ड बाय दिस एग्जाम्पल गिविन बाय कालिदास। तो काली जो किंग भोज एंड एवरी वन, जो भी राजा के साथ और दूसरे जो प्रेजेंट थे उधर से, तो उनके दरबार में तो इम्प्रेस्ड हो गए। ठीक है, बाय दिस एग्जाम्पल गिविन बाय कालिदास, कालिदास का जो एग्जाम्पल था इसमें इम्प्रेस्ड हो गए। ठीक है, हिज आर्गूमेंट्स वेयर सो कन्विंसिंग दैट दे ऑल एग्री दैट नॉलेज विदाउट एक्शन सर्व नो यूजफुल पर्पज। उनका जो एग्जाम्पल में वो सब एग्री हुए कि बिना शक्ति में और बिना ताकत में कोई भी काम हम लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब बोथ ऑफ ज्ञान और ताकत हम लोग को कोई भी काम करने के लिए दोनों का यूज करना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऑल आर अंडरस्टूड, थैंक यू।